मित्रों एक मेरी प्रार्थना है सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बधाई भगवान कृष्ण सभी के जीवन में खुशियाँ को भरें और दूसरा मेरा ये रिक्वेस्ट है मित्रों की थोड़ा सा मेरे वीडियो को आप लोग चलने दिया करें पाँच सात मिनट दस मिनट जितना अधिक टाइम तक आप देंगे उतना ही आ, आ, थोड़ा सा अच्छा मेरे चैनल का परफॉर्मेंस होता चला जाएगा शेयर भी किया करिए दोस्तों तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर तक आप लोग मेरे वीडियो को चलने दिया करिए कमेंट जरूर किया करिए आप लोग जिस पर भी आपको वीडियो बनानी है या फिर जिस भी थीम पर आप चाहते हैं तो तिलिस्म का कैदी आज मैं नेट पे सर्च कर रहा था तो इसकी स्टोरी बड़ी अच्छी लगी खास करके फेसबुक वगैरह पर लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा लोग इस पर बात कर रहे होते हैं उस पर सोचा मैंने बनाने के लिए बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था चांदनीपुर पर तेरा कब्जा कभी नहीं हो सकेगा दुष्ट जाहिल सिंह चंदन सिंह मैंने भी प्रण लिया हुआ है कि चांदनीपुर शक्ति नगर को मधु बनी में मिलाकर कर रहूँगा मैं ले तभी एक दिशा सुर उठा ले तूने नाम लिया और आ पहुँचा मेरा, मेरा मित्र शक्ति नगर का राजा विकास मोहन तुम हर बार मिलकर युद्ध करते हो इसलिए बच जाते हो जाहिल सिंह की सेना का टकराव अब दो सेनाओं के साथ था जय राजा विकास मोहन जय राजा चंद्र सिंह जिंदाबाद सिगरी राजा जाहिल सिंह को मैदान छोड़कर भागना पड़ा मैं फिर लौटूंगा और उस बार मैं चांदनीपुर को धूल में मिला दूंगा। चांदीपुर के राजमहल में महाराज हमारी मदद के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ता है अरे कष्ट कैसा मित्र है तो हमारा फर्ज है बल्कि हम तो यह सोचते हैं कि कहीं हमें पहुंचने में देर हो गई तो क्या होगा क्यों ना हम मिलकर उसके राज्य पर चढ़ाई कर दे नहीं मित्र उसके राज्य में उससे जीत पाना संभव न हो सकेगा मित्र हमारा पुत्र किलदीप महा पन्नालाल से शिक्षा ग्रहण कर आए बस तब हम जहल सिंह का कोई डर न होगा और हमारा पुत्र अंकित मोहन महर्षि विशाल देव से शस्त्रार सिखाए तो हमारी चिंता भी मिटे इधर जयल सिंह मधुबनी में बैठा इन दोनों राज्यों को हड़पने का षडयंत्र रच रहा था मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद कैसे पूर्ण हो क्या ऐसी युक्ति लाऊं कि हर बार की तरह इस बार मूं की ना खानी पड़े जबरदस्त वाह ऐसा पहले कभी ना हुआ उसे एक आइडिया सूझ जाता है और उसे कार्यान्वित करने के लिए आदेश सुना देता है राजा जाहिल सिंह कोई मरना नहीं चाहिए और मुझे सभी जीव चाहिए सैकड़ों हजारों जो आ गया महाराज आदेश की तामील के लिए मधुबनी सैकड़ों सैनिक घुस गए मधुबनी के विशाल जंगल में और जबरदस्त युक्ति को कार्यान्वित करने में लगे तीन साल महाराज हम तैयार हैं तो देर नहीं करनी अब हमें वो तरह राजा जहल सिंह कूद पड़ा हो कुछ करो शक्ति नगर व चांदनीपुर अब हमारे होंगे एक बार फिर खून बहाने को तैयार राजा जहल सिंह निकल पड़ा युद्ध और विजय और इस बार चांदनीपुर की सेना मधुबनी की सेना को देख हिल भी न सकी दूसरा मोर्चा संभाले शक्ति नगर की सेना के भी हथियार न उठ पाए किंतु जहल सिंह को कौन रोकता क्योंकि इसकी सेना थी सवार सिरों पर मार डालो काट डालो और शक्ति में खड़े दोनों देशों की सेनाएं को काटती चली गई मधुबनी की सेना अब <laughs> कोई न जीत पाएगा हमसे। तभी चौके राजा और राजा विकास मोहन नहीं इस तरह तो ये दोनों सेताओं को हरा देगा हाँ हमें अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाना होगा दोनों विद्युत गति से तलवारें चलाते हुए लपके तभी सिंह सवार राजा जाहिल सिंह उछला और प्रहार कर दिया हुआ है शेर के खुले हुए जबड़े ने दबोच लिया राजा चंद्र सिंह को किंतु इससे पहले कि चंद्र सिंह मौत के मुंह में समा जाता मेरे रहते मित्र चंद्र को कुछ न होगा घायल शेर पलटा और उसने राजा विकास मोहन को अपना शिकार बनाया और अगले ही पल राजा विकास मोहन पर झपट पड़ी मौत तभी एक भयंकर शोर से गूंज उठा आकाश अगले पल वह तीर काट ले गया उस शेर की गर्दन दूसरे तीर ने बांध दिया राजा जाहिल सिंह को योद्धा सामने आया राजा जाहिल सिंह अब तेरे दिन पूरी तरह लद गए आज के बाद तू युद्ध का नाम भी भूल जाएगा युवराज अंकित मोहन यहाँ युद्ध स्थल पर हाँ पिताजी मैं आज ही शिक्षा समाप्त कर जब राजमहल पहुँचा तो मुझे इस युद्ध के बारे में ज्ञात हुआ और मैं पवन वेग से अपने अश्व पवना पर सवार होकर यहाँ पहुँच गया उसके बाद तो युवराज अंकित मोहन ने मधुबनी की सिंह सवार सेना पर ऐसा कहर बरपाया कि प्रण क्षेत्र में भाग उठी मधुबनी की सेना चांदीपुर राजमहल में राजा चंद्र सिंह के सामने मित्र चंद्र सिंह मैं तो कहता हूँ इस दुष्ट को मृत्यु दंड दिया जाए नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए मुझे मृत्यु दंड से बड़ा डर लगता है तो बोल तेरे साथ क्या किया जाए मुझे छोड़ दिया जाए मैं फिर यह गलती नहीं करूँगा ठीक है इसका मुँह काला करके गधे पर चढ़ा कर मधुबनी की तरफ खदेड़ दिया जाए मित्र यह क्या कर इसे मृत्युदंड ही मिलना चाहिए हाँ हाँ महाराज मुझे मंजूर है बैठा दीजिए मुझे गधे पर काला कर दीजिए मुरा मानो पागल हो गया था राजा, राजा जाहिल सिंह राजा चंद्र सिंह के आदेशानुसार राजा जाहिल सिंह को गधे पर सवार कर दिया गया जल्दी वह चांदनीपुर से निकल गया मुझे दुनिया वालों जाहिल ना समझो मैं जाहिल नहीं हूँ मेरा नाम जाहिल है इधर चांदनीपुर में मित्र तुम्हारा पुत्र युवराज अंकित मोहन शिक्षा पूर्ण करके आई गया है तो क्यों ना हम इसका विवाह अपनी पुत्री रश्मि से कर दें अति उत्तम विचार है मित्र यह अभी तो शक्ति नगर ही जाते हैं और अगली पूर्णिमा को बारात लेकर आते हैं मधुबनी जंगल से गुजरते राजा जाहिल सिंह ने देखा एक विचित्र दिश ओ यह क्या इस राक्षस को किसने बारा? राज जाहिल सिंह के उस राक्षस के करीब पहुँचो अभी तो ये जीवित है तभी राक्षस का सिर छोर उभरा अ मनुष्य मुझे बचा ले मैं राक्षस राज अंगोरा आजीवन तेरा गुलाम रहूंगा तेरी समस्त इच्छाएं पूरी करूंगा तुरंत जाहिल सिंह का सारा पागलपन दूर हो गया तुम ये रुको यहीं रुके रहना मैं आता हूँ मैं तुम्हें बचाऊंगा मर ना जाना पहले फिर जाहिल सिंह ने गधे को तीव्र गति से मधुबनी की तरफ दौड़ा दिया और फिर जल्दी राजा जाहिल सिंह के इंतजामों से अंगोरा मधुबनी के राजमहल में लाया गया कैसे भी मुझे राक्षस स्वस्थ करना है सभी वैद्य अंगूरा के उपचार में लगा कर दम लगा के ऐशा कड़ी मेहनत तो लगन ने कुछ हफ्तों में अंगूरा को स्वस्थ कर दिया महाराज अब यह खड़ा होकर फिर चल सकता है वैद्यराज आपकी इस सेवा का बहुत बड़ा इनाम देंगे हम फिर राजा राहिल सिंह ने राक्षसराय अंगोरा की रुक रुक किया राक्षसराज अंगोरा आप कैसे हो धन्यवाद महाराजा पूर्णतया स्वस्थ है आपका यह गुलाम मित्र अंगोरा तुम्हारी इस हालत का कौन जिम्मेदार था मेरा भाई घनघोरा अंगोरा जाहिल को लेकर उड़ चला वे पहुंचे मधुबनी के जंगों जंगलों में मित्र अब बोलो मैं तुम्हारी किस काम आ सकता हूँ मुझे चांदनीपुर की राजकुमारी रश्मि चाहिए जिसका तुम्हें अपहरण करके लाना होगा किंतु मित्र चांदनीपुर का युवराज कुलदीप जो कि महर्षि पन्ना से शिक्षा ग्रहण कर रहा है क्या तुम्हें उसका डर नहीं क्यों तुम्हारे रहते मुझे इसका डर क्यों महर्षि पन्नालाल उसे अद्भुत मांत्रिक शक्तियों से निपुण कर रहे हैं मित्र तो क्या मैं समझूं कि तुम डर गए हो नहीं मित्र तुम्हारे काम तो मैं जान पर खेलकर भी पूरा करूंगा चांदीपुर की तरफ उड़ चला अंगोरा हंगामा मच गया चांदीपुर में राक्षस रास के आगमन पर चांदीपुर के हथियार व्यर्थ साबित हुए इस पर अंगोला का हाथ चला और वह तबाही मचाता चला गया महल के ध्वस्त हुए हिस्से से प्रकट हुए राजा चंद्र सिंह और राजकुमारी रश्मि अट्टाहास लगाया अंगारा ने हा 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 हाँ मुझे तो नरमास का स्वाद ही पसंद है और कोई स्वाद तो मैं चखता ही नहीं भू और फिर अंगोरा ने राजकुमारी को दबोच लिया सब देखते देखते ही राजकुमारी को ले उड़ चला अंगोरा पीछे राजा चंद्र सिंह और सिपाही चिखते चिल्लाते ही रह गए अंगोरा मधुबनी के जंगलों के ऊपर उड़ रहा था अचानक पूरा आसमान जल उठा अंगोरा ने उस आग को समाप्त किया तभी सामने प्रकट हुआ घनघोरा तुम फिर आ गए तुम भी तो मौत के मुंह से बच निकले भैया अंगोरा ने मुंह में भरी हुई सारी अग्नि घनघोरा पर उगल दी किंतु अब मैं तुमसे मोहिनी वाला पाकर ही रहूँगा घनघोरा ने गदा का प्रचंड वार किया अंगोरा पर अंगोरा जंगल में उतर गया अंगोरा ने अपना एक बाल तोड़ा राजकुमारी रश्मि को उसने पेड़ के साथ बांध दिया मुझे छोड़ दे नीच राक्षस जाने दे मुझे तुझे छोड़ दूँगा तो नीचे गिरकर मर जाएगी पगली घनघोरा की हत्या के बाद अब खोलूँगा तुझे तभी एक विशाल शरीर पर लगी ठोकर आह ला या माला। मुझे दे दे मैं तेरी जान बख्श दूंगा मूर्ख नहीं ऐसा कदापि नहीं होगा अंगोरा ने वह चट्टान घनघोरा पर दी मारी चट्टान आकर घनघोरा के पंजों पर पड़ी पंजे चट्टान के नीचे दबे रहने के कारण अब हिल भी नहीं सकता था घनघोरा घनघोरा ने अपनी गदा बरसानी शुरू कर दी थी चट्टान पर जादू से तलवार प्रकट कर अंगूरा बढ़ा घनघोरा की ओर घंघोरा चट्टान से स्वतंत्र अपने पैर स्वतंत्र कराने के प्रयास में लगा हुआ था हाथ घुमा अंगोरा का कैर मुझे आज़ाद कर दे फिर करियो युद्ध युद्ध जीतने के लिए मौके का फायदा उठाने वाला कायर नहीं अक्लमंद होता है उन दोनों के बीच में भयंकर घमासान युद्ध चालू हो जाता है और अंगूरा उस युद्ध में मारा जाता है दूसरी पल मोहिनी माला हथियार लेता है गंगूरा और वो चल पड़ता है मध के नशे में आगे बढ़कर तभी उसकी आवाज़ ने उसके पैरों को जकड़ लिया मुझे तो अच्छा आज़ाद करते जा रहा राज घनघोरा घनघोरा पंटला तो कौन है रही लड़की चांदनीपुर की राजकुमारी रश्मि जिसे तुम्हारा भाई अपहरण कर लाया था घनघोरा ने उसे आज़ाद कर दिया तो फिर भाई के माल पर भाई का हुआ क्या मतलब मतलब ये कि अब हम चल रहे मोहिनी कला जहाँ तुम्हें मैं बनाऊंगा अपनी रानी नहीं शैतान छोड़ दे मुझे आसमान से टपकी पेड़ पर अटकी राजकुमारी वापस अब आसमान मोड़ रही थी अब यह सब घटनाक्रम का वह मुख्य दर्शन चल पड़ा मधुबनी की तरफ महाराज को इसकी सूचना देनी होगी उन्होंने मुझे अंगूरा के पीछे लगाया था उछल पड़ा राजा जाहिल सिंह एक सबर सुनकर क्या राक्षस राज गंगूरा को मार डाला घनघोरा राजकुमारी वह मोहिनीवाला लेकर चला गया राजा जाहिल सिंह का दिमाग तीव्रता से दौड़ने लगा न जाने क्या धूर्तता आई थी राजा जाहिल सिंह के दिमाग में चांदीपुर में उपस्थित थे राजा विकास मोहन और युवराज अंकित मोहन और वे उससे पूछते हैं कि राजकुमारी किधर गई है तभी सेनापति भीतर प्रवेश करता है किंतु वहाँ राजकुमारी और राजकुमारी की स्थिति बताती है किंतु वहाँ राजकुमारी हमें न मिली और इसकी स्थिति दर्शाती है जैसे उस राक्षस से किसी और भी विशाल का है राक्षस का भयंकर युद्ध हुआ हो तभी कमरे में वहाँ पर महामंत्री प्रवेश करता है महाराज की नीच हो मधुबनी के राजा जाहिल सिंह महाराज से मिलना चाहते हैं वह नीच यहाँ क्यों आया है मिलवाओ उससे हमसे महाराज चांदीपुर में आज मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता है कि राजकुमारी रश्मि कहाँ है वह राक्षसराज घनघोरा की कैद में राक्षसराज अंगोरा के तीसवीं महल मोहनी कला मौजूद है परंतु राजा जाहिल सिंह आप हमें यह बात क्यों बता रहे हैं आप तो हमारे दुश्मन हैं किंतु अब नहीं हूँ मैं अपने पिछले किए कार्य पर शर्मिंदा हूँ कुछ ही देर बाद पवना पर सवार होकर राजकुमार अंकित मोहन चल पड़ा राजकुमारी को मोहिनी कला से आज़ाद करवाने के लिए पवन वेग से उड़ चला घोड़ा पौना राजा जाहिल सिंह ने भी पकड़ी राह मधुबनी की और मुझे भी बहुत सा इंतजाम करने बहुत अल्प समय में मोहिनी कला के तिलिस्म में कैद होकर रहेगा राजकुमार अंकित मोहन फिर बुलाया जाएगा राजकुमार कुलदीप को वह भी कैदी बनेगा तिलिस्म का यानी मेरे दुश्मनों के शक्ति स्तंभ गिर जाएंगे तब मैं करूंगा एक नए शक्तिशाली अद्भुत ढंग से चांदीपुर और शक्ति नगर पर चढ़ाई एक निश्चित जीत के लिए राजकुमार अंकित मोहन पहुंचा मोहिनी कला के सामने यह तिलिस्मी महल है मुझे सावधानी से काम करना होगा कौन हो तुम सुंदरी मैं हूँ इस तिलिस्मी महल की रक्षक मोहिनी इस महल में आने वाले से महल की रक्षा करती हूँ और उन्हें अपना आहार बनाती हूँ राक्षसी तेरी भूख शांत करूँगा अपने तीरों से तभी वह राक्षसी गायब हो जाती है राजकुमार दूसरे कक्ष की तरफ बढ़ता है और एक हाथ उसका फुर्ती से उसे भीतर खींच लेता है उफ इतने हाथ ये सभी उसी सुंदरी मोहिनी के प्रतीत होते हैं अचानक वे हाथ हरकत में आते हैं और उससे थप्पड़ों की बरसात शुरू हो जाती है उफ इस तरह तो हथियार संभालने से पहले ये मुझे बेदम कर देंगे राजकुमार ने भरपूर प्रयत्न के पश्चात तलवार निकाल ली लेकिन हाथों की संख्या भी कम न थी इन्हें काटते हुए मुझे उस द्वार की तरफ बढ़ना होगा फुर्ती के साथ बाहर निकल गया हुआ वह अब एक सुंदर से बाग में खड़ा था राजकुमारी अश्वमेव उस इमारत में कैद होगी किंतु इस इमारत की राख में खड़ा हुआ भयंकर चेहरा चेहरा लहराया बहुत कठु अनुभव हुआ राजकुमार को राजकुमार ने तलवार चलाई लेकिन ही, ही ही उफ राजकुमार अंकित ने चेहरे को अपने मजबूत हाथों में पकड़ा और उखाड़ फेंका उसे उस पौधे से फिर उसे उस इमारत में प्रविष्ट होने से किसी मुसीबत ने ना रोका सामने नजर आई राजकुमारी रश्मि लो आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया दौड़ कर लिपट गई राजकुमारी अंकित मोहन से ओफ राजकुमारी आप बेफिक्र हो जाएं। अब मैं आपको शीघ्र ही यहाँ से बाहर निकलेंगा चलो राजकुमारी चेहरे के भाव बदले नजर आ रहे थे राजकुमारी रश्मि के चेहरा भी बदलने लगा किंतु अंकित मोहन इस परिवर्तन से अनजान था ओफ ये क्या राजकुमारी के रूप में मैंने किस मुसीबत को गले लगा लिया किंतु तो अब वह कीचड़ राजकुमार से अलग होने का नाम नहीं ले रहा था और फिर राजकुमार न छू सका उस कीचड़ की कैद से मोहिनी कला के त्रिश्म का कैदी बनकर रह गया था राजकुमार अंकित मोहन चांदीपुर में राजा चंद्र सिंह और राजा विकास मोहन के समक्ष खड़ा था राजकुमार कुलदीप पिताश्री मैं छुड़ा कर लाऊंगा बहन रश्मि को राजकुमार अंकित मोहन और मोहिनी कला से पुत्र आठ माह हमने अंकित मोहन का इंतजार किया आखिर निराश होकर हमें तुम्हें महर्षि पन्नालाल के आश्रम से बुलवाना पड़ा अब फिक्र हो जाइए अब महर्षि की समस्त मानसिक शिक्षा आज काम आएगी फिर राजकुमार ने प्रस्थान किया महाराज आप शक्ति नगर जाकर बारात की तैयारी करें माँ और पिताश्री आपनगर को सजवाएं मैं राजकुमारी और राजकुमार को लेकर शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ मोहिनी कला के प्रांगण को ठकठकाया थक राजकुमार कुलदीप के घोड़े के कदमों ने मोहिनी का स्वागत किया मोहिनी ने स्वागत किया अपने नए मेहमान का मोहिनी कला में आपका स्वागत है तुझे पहुंचाने में मेरी निगाहें कतई भी खता नहीं खा रही है राक्षसी हा, हा 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 तो तुझे ये भी पता होगा कि मैं भूखी हूँ हाँ ले ये अभी मरते चावल तेरा पेट भरेगी भक्क से जल उठी राक्षसी मंत्र शक्ति से बंधे चावलों के टकराते ही राजकुमार कुलदीप दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ पड़ा और एक गेंद उसने अंदर उछाल दिया अंदर कोई राक्षस मौजूद हुआ तो बेहोश हो जाएगा कुछ क्षण पश्चात पर कक्ष में दाखिल हुआ औफ इतने सारे हाथ जरूर इस गेंद से निकलने वाले जहरीले धुएं से निकृष्ट होकर गिरे होंगे वो कक्ष पार कर द्वार से निकला हुआ बाग में ऐसे तिलिश्मि चक्र विभूषण भोलीब भाति वाकिफ हूँ राजकुमार ने एक ही फूक मार करके उसके चेहरे को पिचका दिया और कुलदीप खड़ा बाग में पहुंचा इमारत में और उसके सामने जो मायाविनी राक्षसी रहती है जो पहले वाले राजकुमार के समक्ष आकर उसको कैद कर लेती है अपने जाल में उसको आग से जला देता है और उससे राजकुमार रश्मि और अंकित मोहन का पता पूछता है अब बताए राजकुमार राजकुमारी रश्मि और अंकित मोहन कहाँ हैं वे सुरक्षित है और राक्षस राज घनघोरा की कैद में है तो अब तू मर और तभी वहाँ प्रवेश किया राक्षसराज घनघोरा ने हाथों में राजकुमार रश्मि और राजकुमार अंकित को मोहन को दबोचे हुए हाँ 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 ये दोनों चाहिए तुझे मोहनी का तिल्म तोड़ने वाले किंतु इन दोनों को आज़ाद कराने के लिए तुझे मुझे हराना होगा तू जैसे राक्षसों के लिए मेरे पास है मदिरा मंत्र और मदिरा मंत्र का प्रयोग करके उसे नशे में डुबा देता है हिक् हिक, 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 ये मुझे क्या हुआ हिक, हिक, हिक और अगले ही पल वो राजकुमार अंकित मोहन और रश्मि को उठाने लगता है और इधर चांदनीपुर की सीमा पर महाराज चंद्र सिंह के सामने जाहिल सिंह आक्रमण करने के लिए आ जाता है किंतु एक भयंकर टंकार से गूंजता है आकाश और जाहिल सिंह के गंडे के मस्तस को छेट जाता है वह और राजकुमार अंकित मोहन और राजकुमार कुलदीप दोनों लोग आ जाते हैं वो अभी टकराने के लिए तैयार हो जाता है और फिर राजकुमार कुलदीप के मंत्र ने घेर लिया जाहिल सिंह की तलवार को राजकुमार अंकित मोहन के बाण ने प्राण हर लिए जाहिल सिंह की आह सट्टा जान बचाकर भागे गंडे पर सवार मधुबनी के सैनिक आज तो मारा ही गया राजा हमारा बाज नहीं आया था कभी कितना मनाया भागो अब तो जान बचाओ भव्य स्वागत हुआ चांदनीपुर में विजयी राजा चंद्र सिंह राजकुमारी कुलदीप और राजकुमारी रश्मि का राजा चंद्र सिंह जिंदाबाद राजकुमार कुलदीप जिंदाबाद फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमार अंकित मोहन और राजकुमारी का विवाह हो गया तो गाइजी ये स्टोरी आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बाद भी एक से एक मैं स्टोरी बनाता रहूँगा आपने फीडबैक जो आप लोग जरूर देते रहेगा मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए टेक केयर गुड बाय जय हिंद